जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे। बहुत अच्छा लग रहा है, काफी तकलीफ लोग आए हैं, काफी बेवड़े भी आए हैं, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं कब चालू होगा। तो बहुत प्यारे प्यारे लोग आपने चुन के रखे हैं। जो लोग पी के बैठे हैं उनको नमस्कार, जो बाद में पीने वाले हैं उनको विशेष नमस्कार, और जो पीते ही नहीं हैं उनकी ऐसी की देसी। ये मैडम इतना अच्छा हंस रही हैं, इनको देख के लग रहा है सबकी पेमेंट हो रही है। अब मैं किसी तरह पॉइंट नहीं करूंगा, आप समझ जाना। तुम जो सफेद साड़ी में लाल बिंदी लगाती हो, तुम जो सफेद साड़ी में लाल बिंदी लगाती हो, कसम से एम्बुलेंस नजर आती है। एम्बुलेंस तो घायलों को ले जाती है, मगर तुम घायल कर जाती हो। है ना, एक बेवड़ा चला गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने नब्ज देखा, नब्ज देख के बोले पीते हो है? पीते हो मंगा लो। एक बेवड़े का आखिरी टाइम आ गया, आखिरी टाइम आ गया, ईश्वर प्रकट हुए, उन्होंने कहा वत्स तुम्हारी कोई अंतिम विश, कोई अंतिम इच्छा? ऐसा करना प्रभु, ऐसा करना प्रभु, अगले जन्म में दांत भले दो कम देना, मगर लीवर पूरे 32 मांगते। अरे हमको तो अपनों ने मारा, हमको तो अपनों ने मारा, गैरों में कहां दम था, हमको तो अपनों ने मारा, गैरों में कहां दम था, आज साली पीने को नहीं मिली क्योंकि 10 का नोट कम था। So, मेरे तमाम जोक और तमाम बातें आपको ऐसा लगेगा कि आपके आसपास ऐसा रोज गुजरता है, उसी में से मैं चीजें निकाल के आपके सामने रखता हूँ। कोई बहुत बड़ा काम नहीं करता, लेकिन आप हंसते हैं तो लगता है चीज सक्सेस होगी। एक मैंने बेवड़े को देखा था लोकल ट्रेन में, चलती लोकल ट्रेन में घुसा है, जगह ढूंढता रहा कहाँ बैठना है, जगह बैठने को मिली नहीं, कौन कौन बहुत देर से बैठे हैं, चलो सबको बैठने दे। और एक कोपचा मिल गया, उधर बैठ, उधर बैठा, सच्चाई सच्चा किस्सा ही, सामने कोई चर्च के फादर बैठे, फादर साहब हेलो हेलो बाद में बोलते लिखा ले, 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 ले। चलता है ले, ले, ले। माय सन, आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं ये रास्ता आपको नर्क में ले जाएगा। अच्छा, अरे मेरे घाट को पर उतरना है। न्यू ईयर में मैंने देखा कि उस दिन इतनी पी जाती है, ऐसा लगता है घर वाले बोलते हैं आज तो पी लो, नहीं तो कोई न्यू ईयर में तुमको कोई लेगा नहीं, लोग बोलेंगे तुमने पिया नहीं तो तेरा में ही है। और उस दिन इंट्रोडक्शन का जरूरत नहीं होता है, आप किसी को भी विश कर सकते हैं न्यू ईयर का। तो मैंने जूहू पे देखा तमाम बेवड़े घूमते रहते हैं, और उस दिन अच्छी फैमिली के लोग उनसे बच बच के निकलते हैं, बेवड़ा हेलो हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, कोई दिख ही नहीं रहा, वो पिलर को बोल रहा है हैप्पी न्यू ईयर। अब एक अच्छी कोई कपल जा रहा था डिसेंट, उसको हैप्पी हाँ दे लिया, लेने ठीक है, वाइफ बोला चलो ना गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो हैप्पी न्यू ईयर घुमा के देगा वो। हेलो हेलो मैडम हैप्पी, अरे उसको कोई दे रहा मेरे को दे, तो मेरे तू बैठना अंदर, हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर, गले मिला हैप्पी न्यू ईयर, पूरा कोर्ट बर्बाद कर दिया। मगर साहब भी चार छह मार के आए थे, बोला कम ईयर
Happiness. बोले ये क्या है? बोले साली same to you. और उस दिन हम लोग पुलिस का भले मजाक उड़ाते हैं, ट्रैफिक पुलिस हो हमारी सिविल पुलिस हो, लेकिन जितना ये लोग टेंशन और प्रेशर में काम करते हैं आपको मानना पड़ेगा उनको. उस दिन सब ड्यूटी पे रहते हैं, हम लोग त्योहार मनाते रहते हैं, पुलिस ड्यूटी में रहती है, उस सब टाइट घूम रहे हैं. अब एक एक बाइक पे तीन तीन चार चार बैठते हैं, कजरारे हवलदार के मुंह पे हेलो अपने देश में बाबा बहुत आजकल चल रहे हैं. एक बाबा है विजय माल्या बाबा, उनका नाम है विजय माल्या. स्टाफ को पेमेंट नहीं कर पा रहे, उनका हिसाब जब उनको देखता है विजय माल्या. इनके कैलेंडर छपते हैं, इनके कैलेंडर बहुत हाई सोसाइटी को दिए जाते हैं, गरीब आदमी को नहीं मिलते कैलेंडर, बहुत लिमिटेड रहते हैं. और कैलेंडर जिसको मिल जाए वो समझो बहुत बहुत बड़े स्टेटस का आदमी है, स्टेटस सिंबल है उनका कैलेंडर जिसको मिल जाए. तो मैंने पता किया, हमने कहा इसमें 12 महीने होते हैं, 12 महीने के लिए 12 मॉडल चाहिए, तो सिलेक्शन कैसे होता होगा मॉडल का? तो किसी ने बताया कि 250-300 लड़कियां लेके पहले तो चले जाते हैं बैंकॉक, उधर सिलेक्शन करने का है, 12 ढूंढना है 250 में से. तो हमने कैसे ढूंढते? बोले सब समुद्र किनारे पहले लेट गई बीच पे, विजय माल्या साहब बियर लियो किंग फिशर बोतल लियो. ओके जनवरी फरवरी जितने में जम करके निकल गए वो 12 महीने की हो गई. वो कैलेंडर ऐसा होता है, जनवरी का पेज खोलिए छोटे छोटे कपड़ों में जनवरी, विंडो खुली रहेगी तो जनवरी हिलती. फरवरी का पेज खोला लड़की और छोटे कपड़ों में, पिलर्स लिपटी हुई ऐसा लगता है इसके लिपटने से इलेक्ट्रिक पैदा हो रही लगता है, रिलायंस को यही सप्लाई करते हैं. मार्च किसी क्रिएटिव आदमी ने बोला, ये सब बहुत जूना हो गया, कुछ डिफरेंट करो, मार्केट में रहने का है, मार्केट में कंपटीशन है, कपड़े मत पहनो, सिर्फ सांप डालो सांप. मार्च का पेज खोला लड़की सिर्फ बॉडी में सांप डाले हुए. ये कैलेंडर गजोदर भैया को मिल गया, 4 महीने पेज चेंज ही नहीं किया. लोग बोले चेंज कर लो, अक्टूबर चल रहा है. अरे चलने दो सबका दिल लगा है, हर आदमी उम्मीद में है, पता नहीं कब सांप इधर उधर सरक जाए.